डीवीसी प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलनकारियों ने इसका गेट बंद कर दिया। ये बंदी अनिश्चितकाल के लिए की गई। इस बंदी का बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने भी समर्थन किया है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी जो पूरे देश को बिजली मुहैया कराती है, लेकिन इस संस्थान के प्रबंधन पर ही इल्जाम लगा है। इसकी नीतियों के खिलाफ लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए उतारू है। विरोध में अनिश्चितकालीन के लिए गेट बंद कर दिया गया है, जिससे कामकाज ठप है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो इस भरी बरसात में बिजली संकट गहरा सकता है, ब्लैकआउट दस्तक दे सकती है, लाइट के गुल होने से जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। इस आंदोलन का समर्थन बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने भी किया है और आंदोलनकारियों के साथ खड़े नजर आए। यहाँ पे सर्विस ऑफ क्वार्टर्स को जो 70 साल पुराने क्वार्टर्स हैं, उनमें 2500% ज्यादा रेंट फिक्स किया गया है डीवीसी के द्वारा। जो विस्थापित जिनको डीवीसी ने क्वार्टर दिया था, उनको बोला जा रहा है कि अगर आपके 30 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपके गांव के में जमीन है या आपकी पत्नी के नाम पर जमीन है, आपके भाई के नाम पर जमीन है, तो आप उस क्वार्टर का हकदार नहीं हो सकते। उसके बाद जो दुकानदार हैं, उनका 250 से किराया बढ़ाकर सीधे 5000 कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है कि इस एरिया को विकेट कराया जाए और विकेट कराने के बाद अदानी अंबानी जैसे कंपनियों को डीवीसी को बेचा जाए, इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। मैनेजमेंट पर आरोप है कि यहां बसे स्थानीय वासिंदों के साथ नाइंसाफी और हकमारी की जा रही है। कायदे से नियम तक जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए, वे महानगरों में रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। बाहरी कंपनी दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाकर यहां काम करवाकर अपने जेब भर रही है। प्रबंधन पर नियमों की अनदेखी और गैर बराबरी की तोहमत भी लगाई गई है। हमारा 75% का यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कही गई है, वो उसमें है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर देखा गया है कि सिटी पीएस और बीटीपीएस में करोड़ों का काम निकलता है, लेकिन काम करने वाली या फिर कंपनी कलकत्ता की रहती है या फिर लोग कलकत्ता से आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि कलकत्ता में लेबर कॉस्ट कम है, उनको यहाँ पे लाया जाता है और वो परमानेंट एम्प्लॉयज टर्न की बेसिस पे उस कंपनी के साथ रूट करते रहते हैं, जिसके तहत यहाँ के स्थानीय रोजगार के माध्यम से जो रोजगार मिलना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पाता, स्थानीय लोग दूसरे शहर में प्लान कर जाते हैं। फिलहाल डीवीसी के गेट को बंद कर दिया गया है, कामकाज ठप हो गया है, इसमें काम करने वाले कामगार बाहर हैं। लिहाजा ऐसे ही अगर ये बंद जारी रहा और इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो फिर एक गहरा संकट राज्य के लिए ही नहीं देश के लिए भी होगा, क्योंकि डीवीसी की ही बिजली से घर और बड़ी बड़ी कंपनियां रोशनी से गुलजार होती हैं। न्यूज 11 भारत के लिए बेरमो से चंदन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।